नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ इंद्रा और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। ईडी की कार्रवाई के बीच देश भर में कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन, नई दिल्ली में धारा 144 लागू। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा देश में रोज हो रही लोकतंत्र की हत्या, 70 साल का लोकतंत्र 8 साल में खत्म हो गया। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिए फैसलों का किया ऐलान, रेपो रेट 0.50% बढ़ाया, अब महंगा होगा लोन लेना। बिहार में आईएएस सेंथिल समेत 4 की संपत्ति होगी जब्त, ईडी ने विशेष कोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र। जापान में गर्जी अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी, कहा ताइवान को अलग थलग करने के लिए अमेरिका चीन को इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान में राष्ट्रीय ध्वज बेचने वाली दुकान पर ग्रेनेड से हमला, एक की मौत, 14 गंभीर घायल। भारत में फिर पांव पसार रहा कोरोना, पिछले 24 घंटे में मिले 20,551 नए मामले, संक्रमण से 70 की मौत। काशी यात्रा के दूसरे दिन सीएम योगी ने जनप्रतिनिधियों से की मुलाकात, जनता की समस्याओं का तुरंत निदान करने पर दिया जोर। राजधानी लखनऊ की महानगर रेलवे क्रॉसिंग के पास बड़ा हादसा, रेलवे ट्रैक पार कर रहे 2 बच्चे और मां की ट्रेन से कटकर हुई मौत। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत, 11 लोगों की आंखों की रोशनी गई, मचा हड़कंप।